आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें आर्मी से, एनडीआरएफ से और जिला स्तरीय अधिकारी, नगर निगम सभी इसमें सम्मिलित हुए थे। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। और उद्देश्य ये था कि जो अभी कोरोना की स्थिति चल रही है, उसके संबंध में हमें जो आगे तैयारियां की जानी है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, कितना मैन पावर चाहिए, कितनी और फैसिलिटीज़ चाहिए, उन सब पे डिस्कस हुआ है। और अगर आने वाले समय में अगर संक्रमण बढ़ता है तो हम उससे कैसे निपटेंगे, वो सारा हम लोगों ने आज प्लान बनाया है। और उम्मीद करते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़े, पर फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हर तरह की बातों पर चर्चा की गई है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोगों ने लॉकडाउन जो किया है, लॉकडाउन को पूरी तरह से प्रभावी रूप से इसकी पालना कराई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग पे जोर है, लोग एक जगह पे कहीं समूह पे नहीं निकले, और इसकी पालना भी अच्छी हो रही है। कर्फ्यू वाले क्षेत्र में भी हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों के होम जो है, घरों तक मोबाइल वैन्स के माध्यम से जो है उनको हम जो सामान है, ज़रूरत के सामान, खाद्य सामग्री, वो पहुंच जाए। पर ये मैं ये भी अपील करना चाहूँगा लोगों से कि ये बहुत ही बड़ी अपने लिए विकट स्थिति है, आपदा का समय है। इस समय अपने घरों में रहें और जहाँ तक हो सके, ज़रूरत हो तभी निकले, और हम उनके घरों तक मोबाइल चल वाहनों के माध्यम से सभी व्यवस्था सुचारू कराएंगे। अभी फ़िलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि केवल 4-5 ही मिले हैं पॉजिटिव, पर अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बनेगी तो उसके लिए हमने तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। अजमेर की बात करें तो अब तक कितने पाँच ही पॉजिटिव आए हैं, जो एक व्यक्ति पंजाब और हरियाणा से घूम के आया था, मोहम्मद फैदल, उसके परिवार के जो 4 और सदस्य हैं, उनके माता पिता, भाई और बहन, वो पॉजिटिव हो गए हैं, और उसके अलावा अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है। लगातार जो शहर में अन्य जिलों से माने या अन्य जिलों से लोग पहुँचे, आज भी शास्त्रनगर में बड़ी संख्या में लोग इनको रोकने के लिए जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं, और इनके लिए जो लोग सड़कों पे मिल रहे हैं इस तरह से, अगर रुके हुए हैं और उनको कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन कैंप्स चिन्हित किए हुए हैं। उन कैंप्स में उनको ले जा करके प्रशासन और पुलिस के द्वारा रखवाया जा रहा है, और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं पर की जाएगी। हर SDM के ने अपने स्तर पे व्यवस्था की है, और उन्होंने अपने क्वारंटाइन कैंप्स चिन्हित किए हुए हैं। ऐसे जो भी खाना बदोश लोग मिल रहे हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुँह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है, 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।